हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम योर एसएसटी टीचर शैलेंद्र कुमार गौड़। स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी सोशल प्लेनेट पार्ट सेकेंड। पहले पार्ट में हम लोग पढ़े थे, अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे राइटिंग हिस्ट्री, लिखित इतिहास। अब लिखित इतिहास है क्या, कैसे लिखित इतिहास बना, इसके बारे में हम लोग पता करेंगे। स्टूडेंट, आप वीडियो देखने के बाद इसे सब्सक्राइब कर देंगे ताकि हम आपको अगली वीडियो प्रस्तुत कर सके, दे सके। बिटवीन 700 एंड 1750 स्लोली एंड ग्रेजुअली पेपर बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। 700 से 1750 ईस्वी के बीच में धीरे धीरे पेपर जो है कि धीरे धीरे उपलब्ध होता गया। This result in democratic increase in the variety of textual record during this period. यह रिजल्ट हुआ कि इसमें एक ड्रामेटिक, एक नाटकीय परिवर्तन हुआ, जो भिन्न भिन्न प्रकार का विषयक रिकॉर्ड्स इस युग के दौरान हमें मिले। जैसे जैसे हमें पेपर की उपलब्धता होती गई, उस पर लोग भिन्न भिन्न प्रकार से उस समय के बारे में रिकॉर्ड करते गए, लिखते गए। समय समय से यह हमें अवेलेबल होता गया। People start using paper to write holy text. लोग जो है उस समय स्टार्ट करने लगे पेपर का प्रयोग करना, जिसपे वो लोग पवित्र विषय किताबों को लिखते थे, पवित्र चीजों को लिखते थे और इतिवृत्त वगैरह लिखते थे राजाओं के बारे में, लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सेंट, महात्माओं की जो टीचिंग थी कैसे पढ़ाते थे, पेटिशन ऑफ जुडिशियल रिकॉर्ड, उसमें जो है निवेदन करते थे कैसे न्याय से न्यायिक चीजों पर निवेदन किया जाता था, रजिस्टर ऑफ अकाउंट एंड टैक्सेस कैसे रजिस्टर्ड किया जाता था, टैक्सेस के बारे में क्या, कैसे टैक्सेस लगते थे उस समय, उन सभी अकाउंट्स के बारे में उस पर लिखा जोखा जो है पेपर पे लिखा जाता था। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय द वेल्दी पीपुल, जो उस समय मैन्युस्क्रिप्ट थी वो जो है कलेक्टेड जो रखते थे, जो धनी लोग अमीर लोग होते थे वो लोग अपने पास हस्तलिखित चीजों को रखते थे। रूलर मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल, जैसे कुछ शासकों के बारे में, मठों के बारे में या मंदिर के बारे में जो होता था। दे वेयर प्लेस्ड ए लाइब्रेरी एंड आर्चिव, वे एक जो है कि इसको लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में या फिर लेखागारों में रखते थे। आर्चिव मीन्स लेखागार, जिसमें सभी रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखा जाता है। आर्चिव इज ए प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड एज रिकॉर्ड फॉर नॉलेज। आर्चिव वह स्थान है जहाँ पे साक्ष्यों को सुरक्षित करके रखा जाता है, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। टुडे ऑल नेशन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव आर्चिव, आजकल सभी देशों के सरकारों के पास अपना जो एक लेखागार है, वेयर दे कीप ऑल देयर ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड एंड ट्रांजेक्शन, जो अपना जो है कि सभी प्रकार के लेखा जोखा और जो है कि रिकॉर्ड्स जो है ट्रांजेक्शन है लेन देन सभी जो सुरक्षित रखते हैं। दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड ए लॉट ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन टू हिस्टोरियन, बट दे आर आल्सो डिफिकल्ट टू यूज। ये जो है हस्तलिखित मैन्युस्क्रिप्ट जो है बहुत डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सी सूचनाएं डिटेल में देते हैं इतिहासज्ञों को, लेकिन इसका प्रयोग करना बहुत ही कठिन है। एज देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस, जैसा कि जब यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस नहीं था इन दोज डे उन समय में, सो द राइटिंग कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट बाई हैंड्स, तो जो उस समय लोग मैन्युस्क्रिप्ट थे हस्तलिखी जो करते थे, हाथों से लिखा जाता था, कॉपीड किया जाता था, सुलेख लिखा जाता था। द हिस्टोरियन फेस द फॉलोइंग डिफिकल्टीज इन यूजिंग मैन्युस्क्रिप्ट, जो इतिहासज्ञ थे वो जो है इसका उपयोग करते थे जो बड़ी ही मुश्किल होता था। मैन्युस्क्रिप्ट वर रिटेन विद हैंड एंड एज रिजल्ट देयर वेयर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन एनी टू कॉपीज। जब कभी ये जिस तरह से आजकल हम लोग फोटो स्टेट कर लेते हैं, उस समय फोटो स्टेट नहीं था स्टूडेंट, तो लोग क्या करते थे एक पेज को दूसरे पेज पर जो है कॉपी करते थे, लेकिन जब वो कॉपी किया जाता था तो उसमें थोड़ा थोड़ा कभी कभी दोनों कॉपियों में डिफरेंसेस आ जाते थे, अंतर हो जाता था। मैन्युस्क्रिप्ट्स आर इन डिकेइंग कंडीशन समटाइम्स बेन टू बैड टू टच, जो हस्तलिखित चीजें थी ये एकदम गली थी, सड़ी गली हो गई थी, एकदम जो है कि विघटित हो गई थी, जिसको छूना भी कभी कभी बहुत कठिन था, समटाइम इवन टू बैड, बहुत ही टच करने में भी बहुत
खराब था कि टच करते ही ये टूट जाएंगी। सम ऑफ देम आर रिटेन इन सिखास अनट्रेडेबल स्क्रिप्ट, कुछ तो ऐसे थे जो पढ़ने योग्य थी जिसे पढ़ा नहीं जा सकता था, इसे लिखावट थी। द स्क्राइब हु कॉपीड देम इंट्रोड्यूस चेंज, जो इसको स्क्राइब किए हैं कॉपीड किए हैं इसको परिवर्तित किए हैं, वो इंट्रोड्यूस किए हैं इसका परिवर्तन किए हैं। दीज स्मॉल डिफरेंस ग्रीव ओवर सेंचुरीज इन कॉपिंग अंटिल मैन्युस्क्रिप्ट एंड द सम टेक्स्ट बिकम सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर्स। एज ए रिजल्ट हिस्टोरियन हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ द सम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर एंड ओरिजिनली रिटेन। कुछ लोग इसमें सुधार लाए हैं कि उसे देख करके कॉपी किए हैं जो स्पष्ट रूपों में लिखा गया है, कुछ लिखित चीजों को वर्जन कई भागों में बांटा गया है और उसे गेस किया गया है कि जो अथर है वर्जिनली वाकई सही सही उन्होंने लिखा क्या है वर्जिनली। डिफरेंट काइंड ऑफ हैंड राइटिंग मेक द पर्सियन एंड अरबिक लैंग्वेज डिफिकल्ट टू रीड, भिन्न भिन्न प्रकार के हैंड राइटिंग है, हाथों से लिखे हुए हैं जो पर्सियन और अरबिक भाषाओं में लिखी गई है जो पढ़ने में कठिनाई होती है। द नास्टेलिंग स्टाइल इज मोर कर्सिव एंड ईजी टू रीड, जो नास्टेलिंग स्टाइल है तरीका है यह कर्सिव है लेकिन यह बहुत ही पढ़ने में आसान है। द शिखास्टे इज डेंसर क्लोजर टुगेदर एंड मोर डिफिकल्ट टू रीड, जो शिखास्टिस है ये कठिनाई ये क्लोजर बहुत पास पास लिखे हैं टुगेदर साथ साथ इनको मिलाकर पढ़ने में बहुत ही कठिनाई होती है। अब पढ़ेंगे इमरजेंस ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक का जब उदय हुआ जब तकनीक का डेवलप हुआ तो उस समय हमारे राजनीतिक और सामाजिक ये दोनों जो है कि ग्रुपों में समूहों में किस तरह का परिवर्तन हुआ है इसको हम पढ़ेंगे। ए वैरायटी ऑफ सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट टू प्लेस बिटवीन 700 AD एंड 1715 AD, 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच भिन्न भिन्न प्रकार से परिवर्तन हुआ है हमारे राजनीतिक जीवन हो या आर्थिक हो या तकनीकी क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्रों में है, भिन्न भिन्न प्रकार के डेवलपमेंट जो है हुए हैं। सम ऑफ द टेक्नोलॉजी सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंज एसोसिएटेड विद दिस पीरियड, कुछ इसमें से टेक्नोलॉजिकल जो है कि परिवर्तन हुए हैं इस समय के दौरान जो यहाँ पर दिया हुआ है इसको हम पढ़ेंगे। पर्सियन व्हील इन इरिगेशन, पर्सियन पहिया जो था सिंचाई करने के लिए उसको हम कैसे उसका उपयोग करते थे, कैसे सिंचाई होता था। स्पाइनिंग व्हील इन वेविंग, किस तरह से हम किसी चीज को घूमने के लिए पहिए को घुमाते थे। एंड फायर आर्म इन कम्बोर्ड, फायर आर्म कैसे कम्बोर्ड वगैरह में लगाते थे। न्यू फूड्स एंड बेवरेज लाइक पोटैटो कॉर्न चिली टी एंड कॉफी, कुछ ऐसे भोजन थे कुछ पेय पदार्थ थे जैसे भोजन में पोटैटो आलू हो गया कॉर्न हो गया चिली हो गया, बेवरेज में चाय हो गया कॉफी हो गया, इन चीजों का खोज हुआ। दीज इन्वेंशन वर ब्रॉट टू ट्रेवलर हु कम एंड सेटल इन न्यू लैंड्स, ये इन्वेंशन जो है उन लोगों के द्वारा हुआ जो यहाँ पे सेटल हुए यहाँ पे आकर के रहने लगे। दिस वाज ए पीरियड ऑफ सोशल इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल एंड कल्चर चेंज, यह जो है यह समय जो था वो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और साहित्यिक परिवर्तन का। दिस वाज द एज ऑफ फ्रीक्वेंटली मोबिलिटी ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, यह जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो काल था मोबिलिटी गतिशीलता का और जो है कि समूहों में परिवर्तन लाने का। हु ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, जो दूर दूर से यहाँ पर यात्रा करते हुए यहाँ पर आकर के अपना जीवन यापन के लिए जो है रुके थे। द सोसाइटी वाज बिकम मोर कॉम्प्लेक्स बिटवीन 700 AD एंड 1750 AD एंड मेनी मोर सोशल चेंजेस टू प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, समाज उस समय जो था ज्यादातर मिश्रित हो गया था, सभी लोग मिश्रित रूप से कार्य करते थे, सभी लोग रहते थे लगभग 700 से 1750 ईस्वी के बीच और बहुत से सामाजिक परिवर्तन हो गया इस समय। सम ऑफ द सोशल ग्रुप प्ले ए क्रिटिकल रोल इन ब्रिंग्स चेंजेस ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड, मध्ययुगीन काल के समय बहुत से ऐसे सामाजिक समूह थे जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं इसके परिवर्तन में। अब जाति, उस समय जातियां क्या थी ड्यूरिंग दिस पीरियड,
एज द सोसाइटी बिकम मोर डिफरेंटिएट। इस युग के दौरान समाज जो था बहुत ही भिन्न भिन्न था, पीपुल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सब कास्ट। लोग जो है इस समय जातियों में बटे थे या उपजातियों में। दे वर रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड ऑक्यूपेशन। उनका रैंक जो है निर्धारित करना था उनके बैकग्राउंड से या उनके व्यापार व्यवसाय से, किस तरह के व्यवसाय, जिस तरह के लोग व्यवसाय करते थे वैसे उनकी जातियां निर्धारित की गई थी। द स्टेटस ऑफ सम जातीज कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। कुछ स्टेटस है कुछ जातियों का जो एक ही जात के होते थे लेकिन उनका एरिया टू एरिया जो कार्य था वो अलग अलग था। द अफेयर्स ऑफ द जातीज वर रेगुलेटेड इन द फॉलोइंग वेज। अफेयर्स ऑफ द जातीज का जो है रेगुलेटेड किया गया है, इनको नियंत्रित किया गया है कुछ तरीकों से जिसे हम नीचे पढ़ेंगे। फर्स्ट दिया है जातीज फॉर्म देयर ओन रूल एंड रेगुलेशन। कुछ जातियां ऐसी थी जो अपना स्वयं का नियम कानून बनाती थी, उसका फॉलो करवाती थी या करती थी। देयर वाज एन असेंबली ऑफ एल्डर कॉल्ड जाति पंचायत विच यूज टू इन्फोर्स द रूल्स एटसेट्रा। कुछ ऐसे असेंबल थे, सभाएं होती थी बड़े लोगों का, जो जात पंचायत के नाम से जाना जाता था, जिसमें फोर्स किया जाता था उस नियमों का पालन करने के लिए। जातीज वर आल्सो डायरेक्टेड टू फॉलो द रूल्स इन द विलेज। जातीज जो होती थी इनका चुनाव होता था कि जो गाँव में लोग रहते हैं इस नियम का पालन करें। सेवरल विलेज वर गवर्न बाई ए चीफ्टेन। बहुत से गाँव ऐसे थे जो मुखिया के द्वारा गाँव का जो है गवर्न किया जाता था, देखभाल किया जाता था। फ्यूजन ऑफ कल्चर। फ्यूजन मींस होता है जो है कि सम्मिश्रण। फ्यूजन ऑफ कल्चर यानी कि संस्कृतियों का सम्मिश्रण, किस तरह से सभी संस्कृतियां मिली हुई थी। मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड आर द इंक्लूजन ऑफ न्यू डेटीज इन हिंदूज, इमर्जेंस ऑफ भक्ति एंड द इंट्रोड्यूस ऑफ इस्लाम। बहुत से धार्मिक डेवलपमेंट हुए इस युग के दौरान, जिसमें शामिल थे हिंदूस के देवी देवता, भक्ति से संबंधित थे उस समय लोग भक्त बने हुए थे, और इस्लाम जो है उस समय उदय हुआ, पीरियड बिटवीन 700 AD and 1715 AD, 1700 से लेकर 1750 के बीच में बिजनेस मेजर डेवलपमेंट इन रिलीजियस ट्रेडिशन। उस समय हम देखेंगे कि 700 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी के बीच में बहुत से ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिसमें जो है हमारी परंपरा, हमारी धार्मिक परंपरा जो है डेवलप्ड की है। ड्यूरिंग दिस पीरियड सम इम्पोर्टेंट चेंज अकर्ड इन हिंदुइज्म। इस युग के दौरान बहुत से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं हमारे हिंदुइज्म में। वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज एंड कंस्ट्रक्टेड ऑफ टेम्पल बाई किंग्स बिगेन। अब जो है देवी देवताओं का पूजा पाठ होने लगा, राजाओं के द्वारा मंदिर का निर्माण होने लगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स एंड प्रेस्टीज इंक्रीज एज दे हैड द नॉलेज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। अब जो है ब्राह्मण को पुजारी के रूप में इंक्रीज आगे बढ़ाए जाने लगा, रखने लगे लोग, क्योंकि उस समय ब्राह्मण ही जो थे, केवल ब्राह्मण जो ऐसे थे जो संस्कृत भाषाओं को पढ़ते थे, उनको जानते थे। दे बिकम डोमिनेंट ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। ये जो है समाज को डोमिनेट करते थे। मैनी बिकम पैटर्न ऑफ न्यू रूलर्स आर प्रेस्टीज पैटर्न इन द न्यू इन्फ्लुएंशियल एंड वाइडली इंडिविजुअल ऑफ सपोर्ट एंड अदर पर्सन। उस समय बहुत से ऐसे पैटर्न से राजा से शासक होते थे जो सम्मान के रूप, अपने सम्मान के रूप में मंदिरों का निर्माण कराते थे। एज इन द इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल हु सपोर्ट अदर पर्सन। और जो लोग धनी होते थे वो लोग जो यहाँ पे कुछ ऐसे पर्सन होते थे, गरीब होते थे जो उनका जो है ये लोग अपने धन से जो है उनकी मदद करते थे। एंड आर्टिस्ट ए क्राफ्टमैन ए लर्न्ड मैन आर ए नोबल। जैसे कुछ कलाकार थे, कुछ शिल्पकार थे, कुछ पढ़े लिखे लोग थे और कुछ सभ्य लोग थे। द आइडिया भक्ति इमर्ज्ड इन दीज डिवोटीज डिड नॉट रिक्वायर द एड ऑफ प्रेस्टीज ऑफ द एलोबोरेट रिचुअल एंड रिच देयर पर्सनल डीटीज। कुछ ऐसे लोग थे जिनको आवश्यकता नहीं थी देवी देवताओं की, डिवोटीज जो भक्त नहीं थे, ये लोग जब भक्त नहीं होते थे तो किसी को मानते नहीं थे, तो ये लोग अपना जो है कि किसी को पादरी या किसी को ब्राह्मण अपना निश्चित रूप से पुजारी नहीं रखते थे। रीति रिवाजों का ये स्वयं अपना जो है पालन करते थे, जिसपे इनको भरोसा होता था, जिसपे विश्वास करते थे। इन दिस पीरियड वर्जन लैंग्वेज वर यूज इन एवरी रीजन लाइक सिंधी, लोहरी, कश्मीरी,
एंड दवरासमुद्री एंड तेलंगिनी गुजारी अवधी एंड हिंदवाई, ये लोग जिस क्षेत्र में रहते थे उसी क्षेत्र की वैसे ही भाषा इनकी अपनी रीजनल भाषाएं होती थी। कैरेक्टर्स इन डिफरेंट रीजन डिड नॉट नो आइसोलेशन ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द पैन रीजन एम्पायर, द पैन रीजनल एम्पायर इज अप्लाई टू द एम्पायर विच स्टेट ओवर मैनी रीजन। ये जो प्री रीजनल एम्पायर साम्राज्य के लोग थे ये अप्लाइड करते थे कोई भी भाषा जो जिस क्षेत्र में है वैसी भाषाओं को ये लोग बोलते थे, उसको समझते थे। द मुगल एम्पायर इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ सच एन एम्पायर, जैसे मुगल साम्राज्य इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है इस साम्राज्य का। यू रिलीजियस ऑल्सो अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, नए धर्म जो है इस उपमहाद्वीप में इनका जो है अपीयर्ड हो गए मतलब उदय हुआ। टेक्निक टीचिंग ऑफ द होली कुरान, जैसे लोग पवित्र कुरान को पढ़ने लगे, बर ब्रॉट टू इंडिया और भारत में लेकर आए इन 7th century बाई मर्चेंट ऑफ मिग्रेंट के द्वारा, जो व्यापारी थे ये जो 7वीं शताब्दी में कुरान को लेकर के भारत में आए जिसे जो लोग पढ़ने लगे। मुस्लिम रिगार्डेड द कुरान एज देयर होली बुक्स, मुस्लिम जो है कुरान को अपनी पवित्र पुस्तक मानने लगे। एंड एक्सेप्टेड द सोवरेनिटी ऑफ द वन गॉड अल्लाह, और इन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो है अल्लाह एक इनका ईश्वर है जिन्हें अल्लाह कहते हैं वो सबसे सर्वोच्च है। Who love mercy and beauty embraced all those who believe in him. उनका मानना था कि वो सुंदरता से दयालुता से प्रेम करते थे, जो उनको गले लगाते थे, जिनको जो है इन पे विश्वास होता था, जो लोग दयालु होते थे। Without regard to the social background, the Shias Muslim went to the prophets. Son-in-law Ali and Sunni Muslim accepted the authority of the early leader or the Khalifas. अब इसमें जो हुआ जो शिया मुस्लिम थे ये प्रोफेट के सन इन ला दामाद के पास अली जो थे उनके पास गए, उनको मानने लगे। एंड सुन्नी जो मुस्लिम थे एक्सेप्टेड अथॉरिटीज ऑफ द अर्ली लीडर्स, जो उस समय के लीडर खलीफा जो कहलाते थे उनको ये लोग सुन्नी मुस्लिम जो है मानने लगे। पीपुल्स बिलीव इन द डिवाइन was sometimes personal and at other time collective. Brahman earned a lot of respect in the society. ये जो होता था बिलीव इनका विश्वास जो होता था ये लोग इनपे जो है डिवाइन करते थे, त्याग करते थे, इस पे जो है विश्वास करते थे अल्लाह पे। उसके बाद ब्राह्मण जो थे इनको समाज में बहुत ही सम्मान मिलता था, रिस्पेक्ट मिलता था। अब पढ़ेंगे फीचर ऑफ मेडिवल पीरियड, मेडिवल पीरियड की फीचर्स क्या है, आकृतियाँ क्या है, इसको हम पढ़ेंगे। द मेजर फीचर ऑफ द मेडिवल पीरियड आर, मेजर जो है कि फीचर आकृतियाँ देखेंगे मध्ययुगीन काल के, जैसे फेडरलिज्म आज ऑन राइज, उस समय जो है जागीरदारी प्रथा का उदय हुआ। फर्स्ट सेकेंड राजपूत कम टू पावर इन नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया, उस समय राजपूत जो है उत्तरी और पश्चिमी भारत में पावर में आए। देयर वाज द पार्टी स्ट्रगल बिटवीन पालास प्रतिहास एंड राष्ट्रकूटा, उस समय जो है कि त्रिकोणीय संघर्ष था पालास एंड प्रतिहर्ष और राष्ट्रकूटास के बीच में। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर, दिल्ली साम्राज्य का उदय हुआ, मुगल साम्राज्य का उस समय जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ, स्थापना हुई। सेपरेट ऑफ द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, भक्ति और सूफी मूवमेंट आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ। सिख एंड मराठा रोज टू पावर, सिख और मराठा कैसे पावर में आए, उस समय पावर में आए, शक्तियों में आए। वेल्थ अट्रैक्टेड द यूरोपियन पावर, और जो यहाँ का संपदा धन संपदा थी वो यूरोपियनों को अपने तरफ आकर्षित कर ली। स्टूडेंट इस तरह से ये लेसन समाप्त हुआ, नेसेसरी है फीचर ऑफ द मेडिवल पीरियड, आप लोग जरूर इसे कर्म कर लेंगे। अब हम आपको अगला लेसन जो है नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे, तब तक आप लोग जो है इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा हम लोग वीडियो मिल सके।